अब जो है थोड़ा गौर कीजिएगा जहां हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको हम डिटेल्स में दिखाने वाले हैं। यही जो है लिखवाने में और निकलवाने में समय बहुत ज्यादा लग चुका है। तो देखिए हम क्या क्या लिखवाए हैं और इससे क्या फायदा हो सकता है, डिटेल्स में आपको दिखाते हैं। और हाँ, मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि मैं ही सिर्फ आगे बढ़ू और मोटिवेट रहूं, साथ ही आप भी बढ़े और आप भी मोटिवेट रहे। तो दोस्तों आज है 14 सितंबर और आज बहुत ज्यादा काम करने वाला हूँ, बिल्कुल नो एक्सक्यूज नो बहाना। तो इस ब्लॉग को आप पूरा देखिए, काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे रियल में। अरे यार ये क्या चीज का मैसेज आ गया, दिमाग खराब करता रहा मोबाइल, ये जब काम करने बैठो कुछ मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा या नोटिफिकेशन आ जाएगा। अरे यार क्या रील्स लग रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत मजा आएगा। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? अच्छा ये देखो, और ऐसे ही कर करके आपका घंटा बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि अब क्या करें, मेरा ऐसे ही 2 घंटा बर्बाद हो गया। तो बर्बाद होने के बाद अफसोस आता है, उसके बाद काम करे बैठो तो काम होता ही नहीं है, माइंड फ्रेश नहीं रहता है और बिल्कुल माइंड दूसरे कामों में फोकस करने लगता है। तो ये क्या किया जाए और क्या करे कि मेरा माइंड कामों में रहे। जैसे कि दुकान में आए ना तो काम के सिवा और दूसरा कुछ करने का मन ही ना करे। इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है, तो आज हम पीछे जो है अन्ना स्टूडियो है उसमें चलेंगे, और अपना भाई का जो है सेटअप उसी में है, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसको बोलते हैं उसी में है। तो उसी से जो है एक चीज लिखवाने वाले हैं, जैसे कि नारा होता है ना उसी प्रकार से, और पूरा दीवार पर चिपका देंगे यहाँ पे, और आते ही आग भर जाएगा। तो आज वही काम करने वाले हैं और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप देखना चाहते हो कि क्या क्या हम चिपकाने वाले हैं, ताकि आते ही मुझे पता चले कि अरे यार ये गलती हो जाता है अनजाने में। आप चाहते कुछ और हो, करने कुछ और जाते हो कुछ और जाता है, यानी कि मकसद से भटक जाना। तो उस मकसद पे अटल कैसे रहे, इसी के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल पूरा दिन भर क्या क्या करेंगे बताएंगे, भले आज काम कम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज वो काम करेंगे ना कि मेरा कोई भी दिन खराब ना हो इस दुकान के अंदर। तो बने रहिए इस वीडियो पे, काफी ज्यादा मजा और मोटिवेशनल टाइप का ये वीडियोस है और इंटरटेनमेंट टाइप का भी है। तो चलिए फिलहाल अभी कुछ काम कर लेते हैं, अभी स्टूडियो बंद है। तो दोस्तों आ चुके हैं फाइनली स्टूडियो में, देख सकते हैं ये स्टूडियो बिल्कुल अंधेरा करके रखे हुए हैं, हमारे भी काला कलर लग रहा हूँ और लाइट जलने वाला है। तो इसी में हम मिक्सिंग कराएंगे जो जो हम बोले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, काफी ज्यादा मोटिवेशनल वर्ड है और ये अपने लिए यूज कर रहे हैं खास करके, और ये वीडियो में भी दिखा देंगे ताकि आपके अंदर हमेशा आग लगाता रहेगा। अब जो है थोड़ा गौर कीजिएगा जहां हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको हम डिटेल्स में दिखाने वाले हैं। यही जो है लिखवाने में और निकलवाने में समय बहुत ज्यादा लग चुका है। तो देखिए हम क्या क्या लिखवाए हैं और इससे क्या फायदा हो सकता है, डिटेल्स में आपको दिखाते हैं। और हाँ, मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि मैं ही सिर्फ आगे बढ़ू और मोटिवेट रहूं, साथ ही आप भी बढ़े और आप भी मोटिवेट रहे, यही मेरा नारा है। तो चलिए हम दिखाते हैं, अगर आप डिमोटिवेट हो जाओ, काम करने का मन ना हो और अपने आप को पढ़ लो और मोटिवेट करो कि मुझे ये करके दिखाना है और वो भूल जाते हो, तो क्या करना चाहिए आपको दिखाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखिए, ये मेरा फेवरेट नारा है, ठीक है, रील्स बंद करो और काम करो। इसमें बहुत ज्यादा टाइम पास होता है, जैसे कि जो चेला है ना मेरा, उसका हम देखते हैं कि आता है तो एक दिन 2-2 घंटा रील्स देखते रह जाता है, और उसी के देखा देखी मेरा भी आदत लग चुका था, देख लिए ना। दूसरा आता है ये जो काउंटर है, ठीक है, तो काउंटर पर जब भी आते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा पास होता है और मोबाइल चलाने की आदत हो गया है। तो यहाँ देखिए क्या लिखे हुए हैं, मोबाइल खुद बोल रहा है, मैं कर दिया ना तुम्हारा टाइम बर्बाद। देख लिए ना, तो आप लोग कमेंट करो कि जैसे इसमें नजर जाएगा अरे यार ये मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है, तो उसको फटाक से साइड करेंगे और कटिंग पे पेस्टिंग पे ध्यान करेंगे। और कोई भी आता है ना तो सबसे पहले फोकस ये 2 अनमोल रतन पे जाता है, और यहाँ पे क्या लिखे हैं आप देख सकते हो, क्या सोचते हो सिर्फ सोचोगे कि करके भी दिखाओगे। तो सब बोलेगा अरे वाह क्या बात है यार, और ये किसी का चोरी नहीं है भाई, ये आपका भाई का दिमाग का बात है और रियल में। और देखिए यहाँ पे एक और चीज लिखे हुए हैं, कब तक बहाना करोगे,
बहाना बंद करो और अभी से ही मकसद के ऊपर काम करो। तो आप लोग ये जो अपने माइंड के अनुसार हम लिखवाए हैं और छापे हुए हैं, जितने भी कस्टमर आएंगे वो तो मुझे पागल बोलेंगे ही, लेकिन बट इस पे हम ध्यान नहीं देने वाले हैं। इससे क्या होगा, मैं खुद मोटिवेट होऊंगा और आप लोग को दिखा दे ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो जाओ। अगर रियल में जिस चीज से आपको टाइम ज्यादा बर्बाद हो रहा है ना, मोबाइलों से, तो आप ये उपाय लगा सकते हो ताकि वो याद दिलाएगा बीच बीच में कि नहीं आपका टाइम ये ले रहा है। ऐसे क्या होता है, जैसे हम लोग रील्स देखते रह जाते हैं, मोबाइल से खाली करते हैं, करते रह जाते हैं नहीं, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होता है। तो मैंने सोच समझ के यहाँ मशीन है ना, तो यहाँ बैठ के हम काम करते हैं, तो वहां लिखवा दिए हैं रील्स बंद रहो, बैठने के बाद रील्स स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो ये हेडफोन ले लिया है, गाना म्यूजिक स्टार्ट कर दो, कान में लगा लो, सुनते रहो और काम करते रहो, परफेक्ट। तो ये जो है इसी तरीके से हम कोशिश करते हैं और आप सभी को मोटिवेट करने के लिए जो भी मेरा लाइफ का जर्नी होता है आप सभी के साथ शेयर करते हैं। और फिलहाल आज चलते हैं घर पे, थोड़ा सा वाइफ से भी बात करेंगे इस मैटर पे। और तो दोस्तों मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा नींद और मैं आ चुका हूँ घर पे, वाइफ चली गई थी अपने सासू माँ को, माँ का थोड़ा सा देहांत दाबने और टाइम हो रहा है 10 बज गया यार। आज दुकान पर से 8 बजे आ गए थे कि जल्दी सो जाना है क्योंकि नींद नहीं पूरा होता है भाई, कल एडिटिंग करते करते हो गया लेट, करीब करीब 12:30 बज गया और 1 से 1.5 बजे सोए यार। डेली मुझे 4 बजे अलार्म है तो जग ही जाते हो उतने समय में। और आज का जो है इनकम और खर्च बता देते हैं, आज डेट है 14 सितंबर, ठीक है 2023, और आज का जो इनकम है वो हुआ है 320 रुपया और खर्चा देखोगे तो भाई आसमान छू देगा। 150 रुपये का जो है गेस्ट आया था तो नाश्ता करवाए, ठंडा पिया है, और 20 रुपये का अंडा वगैरह खाए हैं, फिर 20 रुपये का अंडा खाए हैं, 10 रुपये का चॉकलेट वगैरह, और 1500 रूम किराया दिए हैं। दोस्त 1 तारीख को रूम किराया देना चाहिए तो आज 14 तारीख को रूम किराया दिए हैं, 14 दिन लेट, क्योंकि पैसा ही नहीं था ना, पैसा कमा रहे थे इससे ज़्यादा ही खर्च हो जा रहा है। और क्या कहें आप सभी से, कह रहे जो भी डेली का इनकम है हम 2-3 दिन नहीं दिखाए क्योंकि मोबाइल चोरी हो गया था, थोड़ा सा माइंड फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, फिर भी मैंने वीडियो एब्सेंट नहीं किया। और अब भी कर जो है 1 महीना बहुत हार्ड वर्क हो जा रहा है मेरा। जो भी दर्जी है वो समझता होगा कि टेलरिंग का वीडियो बनाता हूँ और आप सभी को देता हूँ, उसके बाद सिलाई करता हूँ भाई, उसके बाद वीडियो स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो शूट करना पूरा दिन का, और उसको एडिट करना। शॉर्ट्स अभी 2 दिन से नहीं मिलता होगा क्योंकि अभी कारीगर नहीं, दुकान पे हम अकेले हैं, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है बहुत ज्यादा। तो कोई बात नहीं, हालात से लड़ना है। और क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या खासियत है, आप सभी को तो पता ही है कि बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है। देखते हैं, माइंड लगा रहे हैं जितना जल्दी हो सके उसको हम खत्म करने की कोशिश में हैं। और आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा आप लोग प्यार दे, सपोर्ट करें ताकि इससे भी कुछ अर्निंग हो तो मैं कर्ज सुधारने में थोड़ा सा सक्सेस हो जाऊं। बस यही कहना था और यही रहा मेरा रिपोर्ट डेली का। डेली में बताता हूँ, ये डेली लिखता हूँ, लास्ट दिन मैं इसको गिनती करूंगा कि कितना पूर रहा है मेरा, परफेक्ट है नहीं। अभी तक तो 1 दिन भी एब्सेंट नहीं हुआ है, आज 14 तारीख है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें, और जो भी हम लिख के अपने दुकानों में साटे हैं ना, आप लोग उस पर अमल जरूर करना क्योंकि आप सभी को काफ़ी ज़्यादा वह हेल्प करेगा ज़्यादा काम करने में और फालतू टाइम बर्बाद होने से बचाने में।